नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। घमापुर थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया है और ये लूट किसी आम आदमी से नहीं बल्कि GCF फैक्ट्री के महाप्रबंधक से की गई है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस के समक्ष आई तो घमापुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि घमापुर थाना अंतर्गत दोपहर में भोजन के लिए पैदल आवास पर जा रहे GCF महाप्रबंधक को दो स्कूटी सवार बदमाशों ने पहले तो बातों में उलझाया और फिर उनके रुपए छीन कर फरार हो गए। शिकायत के बाद मुस्तैद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शिंदे ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि GCF महाप्रबंधक राहुल कुमार ने शिकायत दी थी कि जब वो दोपहर में पैदल ही अपने आवास पर भोजन के लिए आ रहे थे तभी पीछे से दो स्कूटी सवार आए और उन्हें बातों में उलझाकर 5 से 7 हज़ार रुपये छीन कर फरार हो गए। जिसके बाद प्रभारी चंद्रकांत झा के निर्देशन में टीम ने आधारताल निवासी नसीम मंसूरी 26 साल और समीर मंसूरी 52 साल को दबोच लिया, जो शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। हुई है घमापुर क्षेत्र में, किसके साथ हुई और क्या उसमें कार्रवाई हुई? ये थाना घमापुर में पाड़बाबा रोड पे की घटना है। इसमें एक सीनियर क्लब के सामने वहाँ के जो अधिकारी थे राहुल चौधरी जी, ये लगभग दोपहर के समय वहाँ पे टहल रहे थे। उसी बीच में दो लोग एक बाइक से आए थे जिनका नाम मोहम्मद नसीम और शंभू समीर करके हैं। इन लोगों ने उनसे रोक के बात की और उनके पास से उनका रुपया वगैरह लूट के ले जा लिए थे। रिपोर्ट पर थाना घमापुर में दोनों आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसे जेल में भेजा जा रहा है। ये जो है शुरुआत में लड़के अज्ञात थे, बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इनका खुलासा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? दोनों लड़के बेसिकली आधारताल के मोहरिया एरिया के रहने वाले हैं।